चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों, साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म लव स्टोरी ने बड़े पर्दे पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म के लीड हीरो कुमार गौरव ने अपनी डेब्यू फिल्म से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। लड़कियां उन पर मरने लगी थी। हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर रह चुके राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव को इस फिल्म ने रातों रात एक मशहूर स्टार बना दिया था। फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस विजयंता पंडित नजर आई थी। इस सुपरहिट डेब्यू के बाद गौरव कुमार ने कई और फिल्में की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। आइए आपको बताते हैं कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि वे फिल्मों से दूर हो गए थे। दोस्तों, आप इस बात से तो वाकिफ हैं कि गौरव कुमार गोल्डन एरा के एक्टर राजेंद्र कुमार के बेटे हैं। राजेंद्र कुमार अपने दौर के जाने माने अभिनेता रहे हैं। दरअसल राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को अपनी तरह एक बेहतरीन एक्टर बनाना चाहते थे, और जब राजेंद्र कुमार जब भी शूटिंग करने जाते तो अपने बेटे कुमार गौरव को साथ लेके जाते, मगर बच्चों को सेट पर फटकने नहीं दिया जाता था। राजेंद्र कुमार हमेशा से चाहते थे कि कुमार गौरव फिल्मों में जाएं, इसलिए थोड़े बड़े होने के बाद उन्हें राज कपूर के पास भेजा गया। राज कपूर उन दिनों सत्यम शिवम सिंदरम डायरेक्टर करने जा रहे थे। उन्होंने कुमार गौरव को फिल्म पर असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। इस फिल्म पर काम करने के दौरान कुमार गौरव फिल्मों को लेकर पेशेंट हो गए और अब उन्हें एक्टर बनना था। ट्रेनिंग के लिए एक्टिंग कोच रोशन तनेजा के पास भेजा गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूस की। इसे डायरेक्ट करने के लिए राहुल रवेल चुने गए, मगर उन्होंने फिल्म में डायरेक्टर का क्रेडिट लेने से इनकार कर दिया, इसलिए फिल्म के क्रेडिट प्लेट पर लिखा गया अ फिल्म बाय राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार की बायोग्राफी जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपर स्टार में इसके पीछे की वजह बताई गई है। बताया गया है कि राजेंद्र कुमार फिल्मों में कोई सीन रखवाना चाहते थे, मगर राहुल रवेल इसके खिलाफ थे। इसी वजह से उन्होंने बीच में पिक्चर छोड़ दी। राजेंद्र कुमार बताते हैं कि फिल्म तकरीबन पूरी हो चुकी थी, मगर राहुल के पास फिल्म छोड़ने की वजह से काम पूरा होने में 4 महीने की देरी हो गई, इसलिए फिल्म में डायरेक्टर का क्रेडिट नहीं दिया गया, मगर लव स्टोरी के डायरेक्टर राहुल कुमार रवेल ही माने जाते हैं। लव स्टोरी बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई, मगर उसने कुमार गौरव को लवर बॉय वाले इमेज में बांध दिया था। उन्हें उसी किस्म की फिल्में ऑफर होने लगी, वो बिना सोचे धड़ाधड़ साइन करते चले गए। आगे उन्होंने तेरी कसम, स्टार, लवर्स, रोमांस और हम हैं लाजवाब जैसी फिल्मों में काम किया। कोई पिक्चर नहीं चली। 1985 में कुमार गौरव ने हम महेश भट्ट के साथ जन्म नाम की एक टेलीविजन फिल्म में काम किया। इसने उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। 1986 में एक बार फिर महेश भट्ट और कुमार गौरव साथ आए, उन्होंने नाम बनाई। इसमें कुमार गौरव के साथ संजय दत्त ने पैरेलल लीड रोल किया था। जावेद अख्तर से अलगाव के बाद सलीम खान ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी। ये फिल्म तो अच्छी चली गई, मगर उसका फायदा मिला संजय दत्त को। बताया जाता है कि इसकी वजह से संजय और गौरव के रिश्तों में खटास आ गई थी, और संजय से इस बात पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कुमार गौरव के लिए अपना खून भी बहा सकते हैं। नाम के बाद कुमार गौरव ने कोई 10 फिल्मों में काम किया होगा, पर क्या मजाल कि इसमें से कोई भी फिल्म चल जाए। अपने उरूज पर एक गलती कुमार गौरव का करियर खा गई। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी संजय गुप्ता की कांटे। 2004 में उन्होंने गुआना 1838 नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में काम किया था। इसके बाद से वो फिल्मों से दूर होते चले गए। बताया जाता है कि कुमार गौरव की सगाई राज कपूर की बिटिया रीमा कपूर के साथ हुई थी। तभी लव स्टोरी की हीरोइन विजयंता पंडित के साथ उनके करीबियत की खबरें आने लगी, जिसकी वजह से वो मंगनी टूट गई। कुमार गौरव ने 2 साल तक डेट करने के बाद साल 1984 में सुनील दत्त और नरगिस की बड़ी बहन नम्रता से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हैं, साक्षी और सिया। संजय दत्त जब 1993 बॉम्बे ब्लास्ट केस में फंसे थे, तब राजेंद्र कुमार और कुमार गौरव चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। बाद में एक इंटरव्यू में गौरव ने संजय दत्त के साथ उनकी दोस्ती के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि अब तो वो लोग फैमिली हैं, दोस्ती भी है, मगर अब संजय के साथ पहले जितना उठना बैठना नहीं हो पाता। फिल्मों से दूर होने के बाद कुमार गौरव अलग अलग तरह के बिजनेस में लग गए। कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद कुमार गौरव एक्टिंग से दूर होने लगे और देखते ही देखते फिल्मों से गायब हो गए। आपको बता दें कि गौरव ने साल 1981 में सुपरहिट डेब्यू करने के बाद तेरी कसम, हम है लाजवाब, दिल तुझको दिया, आज कूच और प्रतिभाग्या जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म में वे सफल हासिलता नहीं कर पाए। दरअसल इसकी वजह नई हीरोइन संग काम करने से इनकार करने को माना जाता है।
जानकारी के अनुसार जब कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की शूटिंग कर रहे थे उसी दौरान एक्ट्रेस मंदाकिनी भी फिल्मों में एंट्री करने के लिए तैयारी कर रही थी। आपको बता दें कि मंदाकिनी ने राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन इस फिल्म में उन्हें पहले शरीन फरहाद मूवी के लिए साइन किया गया था। इसी फिल्म से मंदाकिनी अपने एक्टिंग करियर की शूटिंग करने वाली थी। फिल्म शरीन फरहाद में प्रोड्यूसर दिनेश बंसल मंदाकिनी के साथ कुमार गौरव को लेना चाहते थे। हालांकि उस समय कुमार गौरव अपनी डेब्यू फिल्म लव स्टोरी की शूटिंग में बिजी थे। ऐसे में दिनेश बंसल और मंदाकिनी ने कुमार गौरव की डेब्यू फिल्म के रिलीज होने का इंतजार किया था, लेकिन जब फिल्म लव स्टोरी रिलीज हुई तो सुपरहिट भी साबित हुई और इस मूवी में कुमार गौरव को रातों रात स्टार बना दिया गया था। कहा जाता है कि इसके बाद कुमार गौरव ओवर कॉन्फिडेंस से भर गए थे, उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा ली थी। इसके बाद जब प्रोड्यूसर दिनेश बंसल जब शरीन फरहाद मूवी के लिए कुमार गौरव के पास पहुंचे तो उन्होंने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार गौरव ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि वे किसी भी नई एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। मजबूरी में दिनेश बंसल को अपनी फिल्म शरीन फरहान बंद करनी पड़ गई थी। कहा जाता है कि डेब्यू फिल्म की सफलता का नशा कुमार गौरव के सिर चढ़कर बोलने लगा था। ऐसे में कुमार गौरव का करियर सफल होने के बजाय डूबता चला गया। कुमार गौरव ने मंदाकिनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया है, लेकिन मंदाकिनी की किस्मत राज कपूर की वजह से खुल गई थी। वही कुमार गौरव सिर्फ जानी मानी एक्ट्रेसेस के साथ ही काम करने के चक्कर में करियर में फिसलते ही चले गए। लव स्टोरी के बाद कुमार गौरव की एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। वहीं मंदाकिनी पूरी इंडस्ट्री पर राज करने लगी थी। इसके बाद कुमार गौरव का करियर बर्बाद हो गया और वे धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गए। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 में कांटे आई थी, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिलहाल कुमार गौरव एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। आपको बता दें कि कुमार गौरव का मालदीव में ट्रैवल बिजनेस है और वे एक कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस संभालते हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो अभिनेता कुमार गौरव ने संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से वर्ष 1984 में शादी कर ली। नम्रता सुनील दत्त और नरगिस दत्त की बेटी है और संजय दत्त की बहन है। संजय दत्त और कुमार गौरव ने फिल्म नाम और कांटे में एक साथ काम किया। इत्तेफाक से दोनों फिल्में सफल रहीं। नम्रता से कुमार गौरव को दो बेटियां हैं, एक का नाम सांची है और दूसरी का नाम सिया है। सांची की शादी बिलाल अमरोही से हुई है। बिलाल अमरोही फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के पोता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अभिनेता कुमार गौरव ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। वर्ष 2004 में अमेरिकन फिल्म गुआना में 1838 और वर्ष 2006 में आई फिल्म माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट में काम किया था। ये एक साइलेंट फिल्म थी। इसके बाद से कुमार ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। 80 के दशक का ये सुपरहिट सितारा 90 के दशक आते आते अपनी कामयाबी को संभाल नहीं पाया। कुमार गौरव की तुलना अपने पिता राजेंद्र कुमार से की जाती थी, मगर वो अपने पिता के स्टारडम को आगे नहीं बढ़ा पाए। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद कुमार गौरव ने 90 के दशक में एक लंबा ब्रेक ले लिया। उसके बाद से ही बॉलीवुड से गुमनाम हो गए। दर्शकों को भी कुमार याद नहीं रहे। दीपा मेहता की 1998 में बनी फिल्म पृथ्वी से उन्होंने बॉलीवुड में फिर से नजर आए। इसके बाद उन्होंने फिल्म कांटे में काम किया, जो 2000 में रिलीज हुई। ये उनकी आखिरी हिट फिल्म थी, लेकिन मल्टी स्टारर होने के कारण उन्हें तवज्जो नहीं मिली। मालदीव्स में उनका ट्रैवलिंग बिजनेस है। इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। वो खुद को प्रकृति प्रेमी बताते हैं, इसलिए जब भी समय मिलता है तो अपने गोवा वाले घर चले जाते हैं। उन्होंने 2013 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर्स नहीं होते, इसलिए वो फिल्मों से दूर हैं, मगर वो फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल भी मिस नहीं करते। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।